Assalamualaikum students. Today I am here to discuss about the wildlife and fisheries. In this lecture we discuss about the wildlife sanctuaries, game reserves and Ramsar sites. So firstly we discuss about the wildlife sanctuaries. अब हमने जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो डिस्कस करनी है पाकिस्तान में. आप लोग अपने माइंड में ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने ओवरऑल पूरी दुनिया में डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि हम पढ़ी वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान को रहे हैं. तो अगर हम स्टडी वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान को करें तो हमने सेंचुरीज़ भी वाइल्ड लाइफ जो हमने सेंचुरीज डिस्कस करनी है वो भी पाकिस्तान में करनी है कि पाकिस्तान में जो सेंचुरीज पाई जाती हैं वो कौन सी हैं. सो सेंचुरी हमारे पास है क्या? हम जो हमारे पास सेंचुरी है एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल को कंजर्व किया जाता है, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है. बिकॉज जो हमारे पास प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनमें जो हमारे पास सेकेंड टाइप है वो है हमारे पास सेंचुरीज. कि सेंचुरी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे उन एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है जिनके एक्सटिंक्ट होने का बहुत खतरा है या जिनके इंडेंजर्ड होने का बहुत खतरा है. अब हम देखेंगे हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या. A wildlife refuge also called a wildlife sanctuary may be naturally occurring such as Iceland. कि naturally भी occur हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है Iceland. ये क्या करते हैं, ये provide करते हैं protection for species. किस से protect करते हैं? From hunting, predation और competition. और हम इसको ये भी कह सकते हैं ये एक protected area है, ए geographic territory whether which wildlife is protected. इसके अलावा अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर टू प्रोटेक्ट स्पीशीज फ्रॉम एक्सटिंक्शन, कि स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने से ये बचाती है. नेक्स्ट है अब हमारे पास कि हमारा मिशन क्या होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिल्ट अप करने का. इसका मिशन होता है कि एनिमल्स की केयर करना, इसके अलावा पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करना कि कैसे वो एनिमल्स को ट्रीट कर सकते हैं. अब है हमारे पास कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन पाकिस्तान. यहाँ ये आप लोग देख सकते हैं मैप में, ये हमारे पास कारक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अस्टोर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नालतर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बलिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे बलिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है, चश्मा एंड तोनसम बैराज डॉल्फिन रिजर्व, चोलिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सक्कर एंड गद्दू बैराज डॉल्फिन रिजर्व, ये यहाँ पे पाए जाएंगे हमारे पास तकरीबन. इसके अलावा हमारे पास नारा डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और माहल कोहिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हब डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अब कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जो प्रोहिबिटेड हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, कि मतलब कोई काम ऐसे हैं जो हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मना है करने, ये अगर ये करेंगे तो ये क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गवर्नमेंट रूल्स अप्लाई होते हैं, तो अगर ये करेंगे तो इसके लिए पनिश भी किया जाएगा जो ये रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे. इंटीरियर साइडनेस, लैंड कल्टीवेशन, डैमेजिंग और डिस्ट्रक्टिंग वेजिटेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एनी एक्जोटिक स्पीशीज, एक्जोटिक स्पीशीज वो होती है जो फॉरन स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करना, पोल्यूटिंग द वाटर फ्लोइंग इन सेंचुरी, मीन्स यहाँ पे रहना, लैंड कल्टीवेशन, वेजिटेशन को हमारे डैमेज करना या कोई भी एक्सोटिक स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करना, वाटर को प्ल्यूट करना, ये सारी चीज़ें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में करना मना है. और अगर कोई भी इंसान इन रूल्स को फॉलो नहीं किया करता तो उसको पनिश किया जाता है. नेक्स्ट अब हमने लिस्ट देखनी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की. आज हमारे पास है 99 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं पाकिस्तान में. अगर हमने देखने के पाकिस्तान की किस रीजन में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं और किस किस नेम से हैं. सो आज़ाद कश्मीर में हमारे पास कोई नहीं होती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई नहीं पाई जाती आज़ाद कश्मीर में. बलूचिस्तान में हमारे पास पाई जाती है 99, जो हमारे पास बलूचिस्तान में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं. पूरी 99 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बलूचिस्तान में नहीं पाई जाती, इनमें कुछ होंगे हमारे पास बंद कुश, दिलखान, कुरानी, गर्ड, कोहेगह, कोलब, कोलब का रगाही, रक्षण, ये हमारे पास कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. और इन्होंने कितना हेक्टर एरिया कवर किया हुआ है वो इधर डिस्क्राइब किया हुआ है, 1296
और ये हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसने कितना हेक्टर एरिया कवर किया हुआ है, 19,433 हेक्टर। इस तरह ये हमारे पास है कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बलूचिस्तान में पाई जाती हैं। आप इनमें से कुछ 5 या 6 राउंड अबाउट जो आप लोगों के पास ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इनके नेम याद करने हैं और इनका हेक्टर एरिया याद करना है, कितने हेक्टर एरिया इन्होंने कवर अप किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज फेडरल टेरिटरी में। इसमें इस्लामाबाद में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है, मतलब पूरे जो हमारे पास 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो पाई जाती हैं हमारे पास बलूचिस्तान में। आज़ाद कश्मीर में कोई नहीं पाई जाती, बलूचिस्तान में पाई जाती हैं। फेडरल टेरिटरी कौन सी है, इस्लामाबाद में। कितना हेक्टर एरिया, 7,000 जो इनका हेक्टर एरिया जो इसने कवर किया होता है। इसके अलावा हमारे पास है NWFP और यहाँ पे कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती हैं, यहाँ पे 2 अग्रम बस्ती और मैंगलट। और कितना हेक्टर एरिया इसने कवर किया हुआ है, 29,866 हेक्टर एरिया इसने कवर किया हुआ है इस यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। और मैंगलट में कितना है, 715 हेक्टर। इसके अलावा नॉर्थन एरियाज़ में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं, नॉर्थन एरिया में जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं वो है हमारे पास टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 6 जो नॉर्थन एरियाज़ में पाई जाती हैं। इसमें हमारे पास रहता है शैंतवर, बलिस्तान, नालतर, एस्टोर, कारक एंड सारपा। ये हमारे पास कुछ नॉर्थन एरियाज़ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे पास पंजाब में पाई जाती हैं, जिस तरह हमारे पास है छांगा मांगा और इसने कितना एरिया कवर किया हुआ है, 5,063 हेक्टर ये इसने एरियाज कवर किया हुआ है। इसके अलावा चित्रावती फॉरेस्ट है जो हमारे पास पंजाब में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के तौर पे पाए जाते हैं, वो उसमें आ जाएंगे। उसने कितना एरिया कवर किया हुआ है, उसमें 4,666 हेक्टर। चश्मा बेराज, चोलिस्तान, हरनोली आर फॉरेस्ट और इसके अलावा शूटकोट जो हमारे पास प्लांटेशन है, तोनसा बेराज, कुछ इस तरह अदर्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो पंजाब में पाई जाती हैं। इसमें जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कमालिया प्लांटेशन है, खानेवाल प्लांटेशन है और ये इस तरह कुछ हमारे पास प्लांटेशन वाले इलाके हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने कवर अप किया हुए हैं। देन हमारे पास आ जाएंगे सिंध में, कि सिंध में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो कवर अप की हुई हैं एज अ प्रोटेक्टेड एरिया। इसमें दयाक्रू और इसने कितना हेक्टर एरिया कवर किया हुआ है, 20,243 हेक्टर। और ये हमारे पास कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो हमारे पास, सबसे पहले हमने आज़ाद कश्मीर में देखा कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नहीं है। बलूचिस्तान में हमारे पास कितनी पाई जाती हैं, 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं। फेडरल टेरिटरी में कौन सी, इस्लामाबाद है, 1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस्लामाबाद में। NWFP में हमारे पास 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। नॉर्थन एरियाज़ में हमारे पास 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। पंजाब में हमारे पास कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं, कुछ पंजाब में पाई जाती हैं और इसी तरह सिंध में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं। ये हमारे पास कुछ सिंध की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जिसमें आ जाता है हलीजी लेक और खाड़ी, खिंजर लेक, लखत, हब डैम, हॉक्स बे, सैंड्स पिट, कहत डोरू कोट। इस तरह हमारे पास कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हमारे पास सिंध में पाई जाती हैं। और अगर हम देखें पाकिस्तान में टोटल कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं, वो है हमारे पास 99 टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। अब हमने देखना है हमारे पास गेम रिजर्व्स, कि गेम रिजर्व्स कौन से होते हैं। गेम रिजर्व्स एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हंटिंग और शूटिंग अगर हो भी तो एक स्पेशल परमिट उसके लिए बनाना पड़ता है, हंटिंग और शूटिंग के लिए। तो मतलब ये भी अंडर गवर्नमेंट होता है कि हंटिंग और शूटिंग के लिए आपको परमिशन ज़रूरी होती है। तो इसके हम डेफिनेशन देखेंगे। ए गेम रिजर्व्स आल्सो नाउन एज वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व और अ गेम पार्क इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर वाइल्ड एनिमल्स जो लिव सेफली और हंटेड इन अ कंट्रोल्ड वे फॉर स्पोर्ट। कि यहाँ पे कंट्रोल्ड होते हैं वाइल्ड एनिमल्स, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक एरिया जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया गया और यहाँ पे इफ हंटिंग इज प्रोहिबिटेड ए गेम रिजर्व मे बी कंसिडर अ नेचर रिजर्व। अगर यहाँ पे हंटिंग को मना कर दिया जाए तो गेम रिजर्व
को हम ये भी कह सकते हैं नेचर।